students, I'm introducing you to the Eva. She was waiting for from long time for this kind of visa what she got now. इसका जो बहुत साल पहले हमारे थ्रू ये ऑस्ट्रेलिया गई थी एंड देन शी केम बैक आफ्टर हर मैरिज नॉट एबल टू गो देयर एंड देन वॉज वेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर राइट वीज़ा एंड किसी पे भरोसा करना इज वेरी डिफिकल्ट नाउ इट इज और 10 साल बाद वी गॉट द अपॉर्चुनिटी तो मेरे ख्याल भी भाई अगर पूरी बात बताए दैट विल बी रियली ग्रेट एंड आई एम रियली थैंकफुल टू हर दैट शी ट्रस्टेड अस फॉर सच अ लॉन्ग टाइम मेरी मैरिज हो गई मैं वापस आ गई फिर मेरे इन-लॉज ने मुझे जाने नहीं दिया लेकिन मैं बाहर सेटल होना चाहती थी तो मैं काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि कोई मेरे लिए राइट वीज़ा हो जो मैम के पास मैं आती भी रही मैम ने कहा नहीं अभी आपके लिए कुछ नहीं है क्योंकि मेरी फैमिली भी बन चुकी थी मेरे दो बेबीज हैं और अभी जैसे ही ये अटलांटिक पायलट प्रोग्राम आया तो मैम ने मुझे कॉल किया उन्होंने मुझे बुलाया और फिर मैंने दोबारा से इस प्रोग्राम में अप्लाई किया मैम पे इतने साल का ट्रस्ट था इनके ट्रस्ट के करके मैंने फिर अप्लाई किया अभी मेरा वीज़ा आ गया है और मैम की गाइडेंस इतनी अच्छी है कि मतलब और कहीं जा ही नहीं सकता कोई अगर एक बार यहाँ आ जाए नेविगेटर बेसिकली ये अटलांटिक पायलट प्रोग्राम है जिसमें पीआर विद जॉब होती है एंड दैट्स अ ब्यूटीफुल प्रोग्राम बिकॉज शी इज़ फ्रॉम द नर्सिंग बैकग्राउंड तो वहाँ पे इसकी नर्सिंग की जॉब है एंड इसकी पी आर भी आने वाली है बट शी रिसीव द वीजा फॉर द जॉब एंड शी विल फ्लाई सो